नंदन स्टील कंपनी के सुपरवाइजर से हुई ठगी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी को किया गिरफ्तार, घटना का मास्टरमाइंड निकला कारोबारी का कैशियर। राजधानी के नंदन स्टील कंपनी के कर्मचारी से 26 लाख की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कैशियर ही निकला। मास्टरमाइंड कैशियर पासर का चुनाव लड़ने वाला था और कुछ दिन पहले ही कारोबारी के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। यही वजह है कि उसने इतने पैसों का हेरी फेरी करने के लिए लूट की प्लानिंग बताकर घटना को अंजाम दिया। घटना का मास्टरमाइंड कैशियर आनंद कुमार सिंह, अंकित मिश्रा और चंद्रशेखर तल्लोली को गिरफ्तार किया गया है। ठगी के रूपियों में से 8 लाख रुपए, शानक मोबाइल फोन जब्त किया गया। वहीं अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए SSP अधीक्षक ने बताया कि अंतर्राज्यीय आरोपियों ने थाना डी नगर के सुंदर नगर क्षेत्र के नकली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 15 नवंबर को नंदन स्टील के कर्मचारी धीरेन्द्र मिश्रा से मामले में दो अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापे मार रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा।